हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज हम करेंगे इस सेशन में इडुटेरिया के बुक से बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो टोटल इसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा, और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में आप लोगों को इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और मैथ और रीजनिंग का साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होता है, क्या होता है? तो अम्ल वर्षा वह परिस्थितिकी है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए उसमें तीन चीज़ की जरूरत होती है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, दूसरा आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और एक हो जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ का जरूरत होता है उस वर्षा को अम्लीय बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जैव सुरक्षा समझौता से है। जैव सुरक्षा समझौता की बात करें तो सबसे पहले इसे 29 जनवरी 2000 में इस कार्टोजेना प्रोटोकॉल को जो है स्वीकार किया गया था। लेकिन अगर इसे पूछा जाए इसे लागू कब से किया गया, तो 11 सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया कार्टोजेना प्रोटोकॉल का। तो इस प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। और सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछे तो कौन हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, नोग खाइलम अभ्यारण्य मेघालय ये आपका सुमेलित है, बाकी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा ये आपका सुमेलित नहीं है। ये नागरहोल कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। और रणथंभौर पूछे तो ये राजस्थान में है। तो इस तरीके से आपका कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, नोग खाइलम अभ्यारण्य मेघालय, सिर्फ और सिर्फ यही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पे है, पोंचमाद परियोजना गोदावरी नदी पे है, जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पे ये आपका सुमेलित नहीं है। जायकवाड़ी परियोजना जो है ये भी गोदावरी नदी पे है, ठीक है, गोदावरी नदी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो रूस तथा फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो मेनरहिम रेखा है। मेनरहिम अंतर्राष्ट्रीय रेखा रूस तथा फिनलैंड के बीच है। अगर पूछा जाए कि मैगिनॉट, तो मैगिनॉट जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनॉट। फिर पूछे हिंडनबर्ग की बात करें तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है? पोलैंड के बीच जो है वो हिंडनबर्ग रेखा है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि 49वीं समांतर रेखा, तो 49वीं जो है ये आपका यूएसए और उस कनाडा के बीच है। कहाँ पे? कनाडा के बीच। तो इस तरीके से जर्मनी फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा, जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, और 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए तथा कनाडा के बीच है, और रूस तथा फिनलैंड के बीच मेनरहिम रेखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय
मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। तो स्पेन के मैड्रिड में जो है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। अगला देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर जो है ये मनीला में हो जाएगा। एशियाई विकास, इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में जो है एडीबी का स्थापना हुआ था। इसमें टोटल मेंबर की बात करें तो 67 इसमें मेंबर हैं, और इसके तीन प्रतिनिधित्व कार्यालय हैं। एक तो टोक्यो में है, एक टोक्यो में है, दूसरा फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट में हो जाएगा, दूसरा फ्रैंकफर्ट में है, फ्रैंकफर्ट में है, और तीसरा वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ये तीन जो हैं इसके प्रतिनिधित्व कार्यालय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर 9। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है, एंड 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और 16 दिसंबर को जो है वो विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? तो जहांगीर महल जो है ये अकबर के द्वारा निर्मित है, और ये कहाँ है? आगरा में है। आगरा में है जहां अकबर के द्वारा निर्मित जहांगीर महल। और उसके बाद शीश महल, खास महल और दीवाने महल, ये सभी जो है शाहजहां ने बनवाया है, और ये तीनों महल भी आगरा में ही स्थित है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो लागू किया गया था वो सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए किया गया था। और इस किसके शासन का किस किस कौन लगाया था? सबसे पहले अकबर जो है, अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासनकाल में लागू किया गया था, और सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इनमें से कौन राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बात करें इसका प्रकाशन जो है वो 3 नवंबर 1838 को हुआ था, और इसका स्वामित्व की बात करें तो बेनेट कालमैन एंड कंपनी के पास लंबे समय तक ये रहा था। अगला बात है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो है ये रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। जालियांवाला बाग किसके संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। कब? 1919 की बात है ये, जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाने के उद्देश्य से यह निर्मित किया गया था। और इसके विरोध में क्या हुआ था कि पंजाब के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें क्या हुआ था, जनरल डायर जो है गोली चला दी थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे। तो रॉलेट सत्याग्रह इसका करेक्ट आंसर है। किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? तो इस प्रश्न का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने शासनकाल में आंतरिक बिचौलिया का दमन करते हुए गांव से सीधा संबंध स्थापित किया, और उसने ही भू राजस्व का आधा भाग जो है वो निर्धारित किया। और इसके काल में भू राजस्व दर जो है सबसे ऊंची थी, और भू राजस्व को खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भू राजस्व को खराज कहा जाता था, और इसका जो वसूली का हिसाब रखता था उसको पटवारी कहा जाता था, पटवारी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो मात्र एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, 1924 में, जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। 1924 में उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर कभी महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी, हम्पी विजयनगर जो बात करें हम, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का, ये दो भाई थे जो कि कब किए थे? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे।
और इस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। और यह विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं, इसीलिए इसे यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल में शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद इसके अवशेष हम्पी कर्नाटक में मिले हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश को संग्रहित किया गया है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से लेके महापरिनिर्वाण तक का जो समय था उस सभी का इसमें संग्रह है। और त्रिपिटक, सूतपिटक, विनय पिटक एवं अयोध्या पिटक इसमें आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य समाज जो 7 वर्ग में विभाजित हुआ था, इसका उल्लेख हमें मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें देखने को मिलती है। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में कहाँ भारत आया था, और इसी की प्रमुख पुस्तक थी इंडिका, जिसमें मौर्य समाज को 7 वर्ग में विभाजन के बारे में देखने को मिलता है। इसमें इसने भारत की जनता को सुखी और संपन्न बताया है और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का इसमें वर्णन किया है। भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो भारत के किस मुगल शासक के समय जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो भारत में अकबर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाइट्स और व्हाइट के द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया और इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। और अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से लेके 1605 के मध्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खां। 1929 खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा चलाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समर्थन प्राप्त था। और यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था जो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती के आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश शासक के विरुद्ध। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है ये अमेरिका में हुआ। लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं और वही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वही सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है ना? किसका है? भारत का। सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान पूछे तो कहाँ का है? भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का है, जिसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। लेकिन लिखित संविधान अगर पूछे तो ये सबसे पहले अमेरिका में है, जिसमें कि 7 आर्टिकल ही मात्र हैं, यानी 7 अनुच्छेद ही हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था? तो हमारे संविधान में जो संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम कौन था? 2002 का अधिनियम था। 2002 के अधिनियम के तहत 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। और संविधान के भाग तीन में नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो दिया गया है इसमें से कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त
संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, जबकि केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार जो आर्टिकल की बात करें, कौन कौन आर्टिकल प्राप्त है, तो आर्टिकल 15, 16, फिर 19, 29, 30, ये सभी जो है मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। और जो जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी को समान रूप से प्राप्त हैं, जो दोनों को प्राप्त हैं, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी, वो आर्टिकल आपका 14 है, 21 है, 21 का खंड क है, 23 है, आर्टिकल 24 है, 26 है, 27 है और 28 है। ये सारा आर्टिकल जो है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन सिर्फ ये आर्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। और लोक लेखा समिति को प्रांकलन समिति का क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो आर्टिकल आपका 352 होगा। आर्टिकल 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगर आर्टिकल 356 की बात करें तो इसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 356 किस में? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति द्वारा देश में बीती आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 किस में है? इसमें जो है 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा, वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, एक विधायक जो संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कोई अधिनियम तब बनता है, कोई विधायक दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद, जब राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह अधिनियम बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट बी होगा। अगला देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई वो बलवंत राय मेहता समिति था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसीलिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की व्यवस्था सुझाव दिया था। अगला प्रश्न 28 नंबर, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? तो पहली बार 18 वर्ष के आयु में चुनाव का यथा कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, 1989। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से क्या कर दिया गया? घटाकर 28 मार्च 1989 को जो है प्रभावी हुआ, 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और ये प्रभावी कब हुआ? 28 मार्च 1989 को। और नवयुवक के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर वोट देने का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में 9वीं लोकसभा आम चुनाव में किया गया था। 9वीं लोकसभा का जो आम चुनाव था उसमें पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा, डी ब्रोगली। जबकि पॉजिट्रॉन का खोज पूछे तो एडर्सन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज पॉली ने किया था। मेंडलिफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग संख्या कितनी है? तो मेंडलिफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई है उसमें वर्ग की संख्या पूछा जा रहा है तो 9 होती है, और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। आवर्त संख्या 7 होता है और वर्ग टोटल 9 होता है। और तत्वों का भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों में आवर्त फलन होते हैं, ये जो इसके अनुसार तत्वों का भौतिक एवं गुण रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्त के फलन होते हैं, ये जो है मेंडलिफ के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय बिलियन का रंग होता है? तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय बिलियन का रंग होता है कैसा? पीला होता है।
ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग जो है वो पीला होता है। प्रश्न नंबर 32 देखिए कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है कार्बन, उसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि के रूप में किया जाता है। स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो स्मेल्टाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये कोबाल्ट का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO(AS)2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और कैलामाइन जिंक का एक इप्सम लवण है जो कि मैग्नीशियम धातु का प्रमुख अयस्क है, कैलामाइन। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। व्हाइट विट्रोल यानी उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उजला थोथा का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ZnSO4 × 7H2O होता है। तो ऑप्शन देखिए इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ZnSO4 7H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है उजला थोथा का। अगर बात करें नीला थोथा का, ब्लू ब्लू विट्रियोल का क्या होता है? तो ब्लू विट्रियोल का हो जाता है CuSO4 CuSO4 5H2O, ये नीला थोथा का होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें सामान्य तापमान पर हल्के हल्के रंग के रवे के रूप में जो होता है वो Fe होता है, ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि ग्रह का जो है वो घनत्व सबसे कम होता है, शनि ग्रह का। इसका घनत्व जल से भी कम होता है और इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। और घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा शनि, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल और सबसे शुक्र सबसे ज़्यादा हो जाता है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो नहीं गुजरती है वो अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा से कहाँ कहाँ से गुजरती है? इक्वाडोर से गुजरती है, इंडोनेशिया से, केन्या से, ब्राज़ील से, गैबान से, कांगो से, ये सभी राज्यों से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरती है कहाँ से? अर्जेंटीना से। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर देखिए, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश जो है वो मलेशिया है, मलेशिया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। टीन निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पे है और मलेशिया को इपो टीन भी कहा जाता है, इपो टीन खनन के नाम से जाना जाता है। अगला है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति जो है उसे मेसोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। जबकि अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों को वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? तो भूटान से लगा जो है सबसे बड़ा राज्य वो असम हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य जो है वो असम के साथ है, 267 किलोमीटर। अगला है, सतपुरा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है सबसे ऊंची चोटी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ी है। सतपुरा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़ी है। कितना मीटर है? 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है और इसके पूरब से ताप्ती नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है, तो कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये अंडमान निकोबार में तो स्थित है लेकिन कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। जोबाई, शुक्री एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, जोबाई, शुक्री, जोजारी। अब अगला प्रश्न 43 नंबर आपका मैथ्स का प्रश्न है, यहाँ से सिर्फ हम आंसर करेंगे और बाद में जो भी जीके जीएस का प्रश्न होगा उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यदि दो जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 के कोण बनाएं तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिएगा और एक के ओ को उसको केंद्र मान लीजिएगा। अगर आपसे कहे कि उसमें एक त्रिभुज बनाना है आपको, तो चलिए इस तरीके से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है।
ये इधर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आपको इस कोण का मान एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, एक 150 डिग्री का हो जाएगा। अब इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो 1 cos² θ / 2 sin² θ का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3/5। अगला देखते हैं, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, इसमें इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है, इसका मान निकालना है आपको 46 का। और इस प्रश्न का आंसर कैसे बनाना है आपको पता ही है, इसको भिन्न के रूप में हल करना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/8। 47 नंबर देखिए, यदि x² + 4y² = 4xy हो तो x और y का अनुपात क्या होगा। तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 देखिए, भिन्न 4/9 के अंश और हर में छोटी से छोटी कौन सी एक ही संख्या जोड़ी जाए जिससे भिन्न का मान 7/13 से अधिक हो जाए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रैकरिंग का प्रश्न है और इस वाले को आपको हल करना है। तो देखिए, रैकरिंग में सबसे पहले हम रैकरिंग वाले नंबर को क्या करते हैं, लेते हैं, रैकरिंग वाले को यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो इस प्रश्न को क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी, इस प्रश्न का आंसर आपका डी आएगा, डी डी हो जाएगा, डी 2.64 रैकरिंग। 50 नंबर प्रश्न है कि 2×(x)·8^1/5 है तो 2×1/5 हो तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा −2/5। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले इस सभी का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, और एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उस संख्या से इसे करिएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे लॉग का मान आपको निकालना होगा, या लॉग का मान अगर याद होगा तो आप लोग इसे आराम से निकाल सकते हैं, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संख्या दिया हुआ है 52, 74, 35 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर। तो सबसे पहले दोनों का स्थानीय मान अलग अलग निकाल लीजिएगा और दोनों के बीच को माइनस कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6970। वह बड़ी से प्राकृत संख्या जो 3 क्रमागत सम संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 48। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहा जा रहा है तो मान लीजिए 2, 4 और 6, ये 3 प्राकृत संख्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 आंसर आ जाएगा। यदि a-b c + d = 6 से अधिक है और a+b c - d से 3 कम हो तो a-c का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। गणित में 5 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया, बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी ने 48 अंक के बदले 84 पढ़ा, तो वास्तविक औसत क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर, एम की आयु 60 वर्ष, आर एम से 5 वर्ष छोटा है और भी से 4 वर्ष बड़ा है। तो पूछ रहा है कि भी सबसे छोटा भाई बी है, भी का सबसे छोटा भाई कौन है, बी है, और भी से 6 वर्ष छोटा है, एम और बी की आयु कितने वर्ष का अंतर है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। एम की आयु 60 वर्ष है, एम की आयु क्या है, 60 वर्ष है। आर की आयु 60 - 5 कर दीजिएगा तो 55 हो जाएगा। फिर भी की आयु पूछ रहा है, 4 वर्ष कम है ना, तो भी की आयु क्या करेंगे, 55 - 4 किससे, किससे कम है, तो आर की आयु से ना, तो 55 - 4 यानी 51 वर्ष आ जाएगा इसकी भी की आयु। तो बी की आयु हो जाएगा किससे कम है, तो पूछ रहा है कि एम और बी की आयु के बीच कितने का अंतर है, तो एम और बी 51 - 6 करेंगे यानी 45 वर्ष का अंतर निकल के आएगा। तो 45 वर्ष का अंतर है, तो पूछ रहा है कि एम और बी के बीच का अंतर ना पूछ रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं अंतर कैसे निकालेंगे। तो एम और बी के बीच का अंतर देखेंगे, तो एम का था 60 वर्ष और बी का था कितना, 45। तो बी का 45 निकल के आया, तो 60 - 45 करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा कितना, 15 वर्ष। तो इस दोनों के बीच का अंतर 15 वर्ष है। 1 और 100 के बीच संख्या में
एक से लेके 100 के संख्या के बीच में तीन इस प्रकार कितनी बार, सॉरी, एक और 100 के बीच की संख्याओं में अंक तीन इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें तीन आता है और तीन से विभाजित नहीं हो। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। संख्या लिख लीजिएगा, 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आपको संख्या 100 तक लेना है ना, तो 83। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस संख्या के आंसर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्या है कि जब एक्स में दो कम किए जाएं तो एक्स में वाई की वृद्धि हो जाती है, तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है। और जब एक्स में वाई की वृद्धि की जाती है तो वाई में दो कम किए जाते हैं, तो इन दोनों का अनुपात 3:1 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक्स माइनस वाई के बराबर है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 105 रुपया अधिक बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेज का क्रय मूल्य बराबर इसमें निकल के आएगा 7,000 रुपया। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती है। कितनी महिला 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियां बनाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट में 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग का अंतवृत्त और परिवृत्त क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो अंतवृत्त और परिवृत्त की बात हो रहा है, तो एक तो आपका वृत्त हो जाएगा बाहर का, और परिवृत्त बोल रहा है तो पहले सबसे पहले आप इसमें वर्ग बना लीजिएगा और इसके अंदर एक वृत्त बना लीजिएगा और दोनों का आपको निकालना होगा। तो 1:2 इसका आंसर होगा। यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसे आयतनों के अनुपात में क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 5, 16, 49, 9, 29, 89। तो इसका क्रम में वर्ड के स्थान पे देखना है आपको क्या आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 5, 16, 49, 5, 16, 49। इसमें क्या किया है, 5 से 16 के बीच का कितना, 11 का अंतर, और फिर 16 से लेकर 49 में 33 का अंतर। तो 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। सेम आपको 9 को 29, 9 और 29 के बीच 20 का अंतर, और 29 से लेकर 89 के बीच का कितना, 60 का अंतर हो जाएगा। तो 60, चलिए तो इस दोनों के बीच में 3 से गुना कर दीजिए, 20 और 60 तीनों को गुना कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से इसका भी अगला क्रम करेंगे तो 48 आपका आंसर निकल के आएगा। यदि किसी कूट भाषा हॉस्पिटल को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर कर्मबार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका हम आपको बताए थे कि पेयर बना के इसे फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रतीकों को किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है? तो स्टार के स्थान पर वैल्यू आपको इसमें से निकालना है, ये चिन्ह को आपको बैठा के, ताकि इसका वैल्यू आ जाए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गिव को कूट भाषा में 5137 लिखा जाता है, बैट की कूट भाषा में 924 लिखा जाता है, तो गेट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दिए गए विकल्पों से संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न हो। तो दिया गया समूह 3, 7, 100 है, तो अगला समूह आपका क्या होगा, 3, 7, 100 दिया हुआ है। तो सबका क्या करना है कि देखिए 3 और 7 इस दोनों को क्या करना है,
ऐड करेंगे। ऐड करके जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपका 100 निकल के आएगा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, सॉरी 7 3 10, 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्रम आपको निकाल देखना है इसमें कि कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि माइनस का अर्थ भाग, जोर का अर्थ गुना, घटना और एक्स का अर्थ जोड़ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह समीकरण जो होगा वो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है, एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको सबसे पहले इसे क्रम वाइज सजाना होगा। कह रहा है कि पी क्यू से छोटा है, पी जो है पी क्यू से छोटा है, तो क्यू ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है आर सबसे लंबा है, आर क्या है सबसे लंबा है, तो चलिए ऊपर डाल लेते हैं इसको। अब कह रहा है कि एस पी से छोटा है, तो एस जो है वो पी से छोटा है, चलिए ये भी कर लिए। अब कह रहा है कि परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो परंतु सबसे छोटा नहीं है दैट मीन्स कि टी अब बच गया, तो टी नीचे कर लेंगे। अब आपसे कह रहा है कि ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, तो घटते क्रम में नीचे से मतलब पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर पे एस है, तो इस प्रश्न का आंसर एस हो जाएगा। ए और बी बहने हैं, डी की माता ए, बी एक पुत्री सी है, तो एफ से विवाहित है, ए का पति जी, सी का डी से क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, मौसेरी बहन। निम्नलिखित क्रम को रिक्त स्थान से पूर्ति करें, यहाँ पे क्रम को फिल करना है आपको, तो क्रम वाइज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका 99 होगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, तो ये बना लीजिएगा, आसान है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है, तो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा शब्द जो है नहीं बनता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि एक कूट भाषा को प्लेयर को क्यू एन डी सी जे एक्स लिखा जाता है, उसी कूट भाषा को सिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। दिए गए विकल्प से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है इसमें, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक गोल मेज के बारे में कह रहा है, तो कह रहा है कि एक ए बी सी डी ई एफ जी 8 मित्र है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो सबसे पहले केंद्र एक बना लीजिए, उसमें आप 8 व्यक्ति का एक बना लीजिए, तो कितना हो गया 3 3 6 ही हुआ, सॉरी 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया। अब कह रहा है कि सभी मुंह की तरफ मत केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ए जो है वो डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम आपको बताए थे कि इस टाइप का जो प्रश्न होगा ना, जो पहले बैठने की बात करेगा उसको हमेशा हम बिंदु से बैठाना स्टार्ट, मतलब पॉइंट से बैठाएंगे, तो ये पॉइंट है हमारा, तो इसमें हम डी मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डी कह रहा है कि ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ए आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, तो दूसरे स्थान पे हो गया डी, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ई के बाएं को तीसरा है, ई के बाएं को तीसरा है, तो ई इधर आ जाइए बाएं तरफ, अब तीसरा हो जाएगा, 1 2 3 तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सी जी के दाएं ओर को तीसरा बैठा हुआ है, सी कहाँ बैठा हुआ है, तो बाएं के तीसरा यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ है सी, ठीक है, सी यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका बी यहाँ बैठ जाएगा। इस तरीके से आप क्रम कर लीजिएगा, हम बना रखे हैं ऑलरेडी, तो हम आपको बता देते हैं कि इसका क्रम इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आप सभी को बना लीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका 81 से लेकर 85 तक सिर्फ एक ही डायग्राम से आपका प्रश्न हल होने वाला है, इसलिए इसका आंसर हम देखते हैं। डी और सी के बीच कौन बैठा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न। ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ बैठा है। निम्नलिखित किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं को बैठा है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, तो आमने सामने दाएं को तीसरा, तो इस प्रश्न का 84 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए 85 नंबर। जी के संबंध में सी का स्थान क्या है, तो जी के संबंध में सी का स्थान जो है ये आपका हो जाएगा दाएं को तीसरा। 86 नंबर है। कल से एक दिन पूर्व मेरा 52 वर्ष था, किंतु अगले वर्ष मेरा 54 वर्ष हो जाएगा, वक्ता की जन्मतिथि और वक्तव्य जारी करने की तिथि क्या है, तो
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिसंबर 31 और 1 जनवरी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगला पद क्या आएगा? तो इसमें एल पी के आएगा। अगला 88 नंबर देखिए, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्दकोश को क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा? ठीक है, मेरिटोरियस, मैरी, मेरिट, मैरी मिड। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मैरी। दी गई श्रृंखला की गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको विषम छांटना है, श्रृंखला जो दिया हुआ है इसमें से। इसका बी हो जाएगा 102। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 91 इसका प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। हर्ष आनंद, तो उदास का क्या, हर्ष का मतलब, हर्ष मतलब खुशी होता है, उस खुशी से आनंद मिलता है। उदास, उदास से क्या होता है, तो इसका भी देखना है आपको। तो निरुत्साह हो जाएगा, निरुत्साह हो जाएगा। 7:32, तो 28:28 क्या हो जाएगा? तो जिस तरीके से 7:32 है, उस 28 का अनुपात हो जाएगा कितना, 116। गटकना, पीना, हड़बड़ी क्या हो जाएगा, भागना हो जाएगा। हड़बड़ी में क्या करते, भागता है आदमी। ए बी सी डी जेड वाई एक्स डब्ल्यू, उसी तरीके से ई का क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कागज वृक्ष, तो शीशा कहाँ से मिलता है, शीशा रेत से। यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए, सॉरी दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। डी पिता है बी, डी पिता है किसका, बी का। बी ननद है सी का, तथा बेटी है ए की, ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि 235 = 38, तो 252 = 45, तो 345 = क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 50। अब है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या दे दी जाए और उनका कोडीकरण a = 1, b = 3 के रूप में किया जाए, तो स्नेक में प्रयुक्त अक्षरों का कुल मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कल के बाद के दिन रविवार हो, तो कल से पहले का दिन कौन सा था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या, मंगलवार रहा होगा। रिकवर्ड शब्द में वर्ण को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द में उनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्ण क्रम में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। रिपुटेशन लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, देखना है। तो ट्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 104, किसी कोड भाषा सी आर ई, निक का अर्थ सी इज ब्रेव है, पी सोर ने निक का अर्थ सी इज ऑलवेज स्माइलिंग है, तो सोर रे जी का अर्थ क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज सेयरफुल। तो स्माइलिंग शब्द के लिए कौन सा कोड का प्रयोग होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी आई। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी सांकेतिक भाषा को ओरल को 6913 लिखा जाता है, तो टॉम को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? इसका आंसर 264 हो जाएगा। यदि शब्द दिया हुआ है लैकोप्रेसी को अंग्रेजी के, ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जिससे कि अक्षरों का क्रम भी न बदले और अक्षर केवल एक ही बार प्रयोग हो? तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 शब्द बनेगा, LAP, PAR और कॉपी, लैब पर कॉपी, 3 शब्द बनेगा। 8 नंबर देखिए, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुने जो बाकियों से अलग है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ARC का उल्टा कार हो जाएगा, USB का बस हो जाएगा, लेकिन अगर LACES की बात करें तो स्केल हो जाएगा, और LECY का क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। अब 109 नंबर देखिए, कथन को पढ़े और विकल्पों का निष्कर्ष चुने। सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, सभी तबले क्या हैं, वाद्य यंत्र है, तो एक तबला बना लेते हैं। ठीक है, अब सभी तबला क्या है आपका, वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र हो गया।
अब कह रहा है कि सभी पियाने वाद यंत्र हैं और सभी तबले पियाने हैं। तो एक पियाने बना देंगे जो सभी हो जाएगा पियाने। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष दो ही सही होगा, देख लीजिएगा एक बार पढ़ के। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक को ज्ञात कीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 13 निकल के आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो संयोजन को दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता हो। ये आपका हो जाएगा मिरर इमेज का, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं ऑप्शन इधर होगा, डी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी था 4। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न, 113 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 113 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, 14 का डी हो जाएगा, इसका डी होगा। अगला देखते हैं 115 नंबर, 115 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 116 का क्या हो जाएगा? 116 का डी हो जाएगा। और 117 का हो जाएगा आपका डी। 118 का क्या हो जाएगा? 118 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। 118 का आपका बी हो जाएगा, 2 ये वाला होगा। एंड आगे देखते हैं 119। आप यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो गया है, तो इसे देखते हैं। चलिए, दिया है कि एक गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं। तो एक गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी चालक के प्रतिरोध धारा बहने में रुकावट डालता है, जिससे कि गतिशील इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? निरंतर चालक के परमाणु से टकराता है और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु को रूपांतरित करते हैं। इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है और चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी जूल होता है। अगला है कि 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक अभिक्रिया है। लैक्टिक अम्ल के कारण मक्खन मक्खन दही खट्टा हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर है यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत चालक नहीं है? तो विद्युत चालक इसमें से ग्लूकोज का घोल जो है वो नहीं है, यह एक मोनोसेकेराइड है। आगे देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन सा चालक विभवांतर बनाने में मदद रखता है? तो यह आपका सेल या बैटरी हो जाएगा, जो क्या करता है? सेल या बैटरी चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा क्या होता है? तो किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा क्या होगा कि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन करते हैं। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य। प्राचीन काल के जानवर पौधे तथा अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे पॉलियंटोलॉजी कहते हैं। प्राचीन काल में जानवर पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को पॉलियंटोलॉजी कहते हैं। पॉलियंटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, यह हड्डी से संबंधित है। किससे? हड्डी से। ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है। इस रोग के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी होना और विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स रोग होती है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो इस प्रश्न का एंटीबायोटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में बैक्टीरियो संक्रमण को रोकने का सबसे सबसे बड़ा इलाज एंटीबायोटिक्स है। 130 नंबर देखिए, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है?
नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 131 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो है ये बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है और भ्रूण का पोषण जरायु एवं अपरा द्वारा होता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो एक पौधे का तना या फिर जड़ का घेरा जो है वो बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। और जिब्रेलिन हार्मोन के कारण पौधे क्या होता है? पौधा और फूल बनने में मदद करता है, पौधा लंबा होने में और फूल बनने में मदद करता है। उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दिया है कि कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन है उत्तक शब्द का प्रयोग विजेट ने किया था। तीसरा वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने समान होती है उत्तक कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका तीनों सही है, 1, 2 और 3, तीनों कथन उत्तक के बारे में सही है। मानव शरीर के भीतर रक्त किससे उपस्थित के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में जो रक्त है वो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन, हिपेरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, धान। इस प्रश्न का आंसर धान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हैजा, विप्रियो कॉलरी, कोड कुष्ट माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी, टिटनेस, कोलोस्ट्रीडियम टिटने, प्लेग, हीमोफेलिस पर्टुसिस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्लेग हीमोफेलिस पर्टुसिस। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें जो हो जाएगा प्लेग वैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। किससे? प्लेग जो है वो वैसिलस 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 पेस्टिस पेस्टिस से होता है। अगला देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है तमिलनाडु ने। संस्कृत मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर है पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया? 125वीं जयंती थी इनकी जो 23 जनवरी 2021 को मनाई गई है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत रहा? तो इस प्रश्न का आंसर है 2.97% जो है ये रहा है राजकोषीय घाटा। और 22 फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद द्वारा पहला बजट पेश किया गया। अगला है विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो 2022 का जो जल दिवस का थीम था वो था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजेबल विजेबल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राउंड वाटर को। अगला देखिए, आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो आत्मनिर्भर, इसमें हम आपको ये जो बिहार करंट अफेयर पढ़ाए हैं उसमें हम बताएं भी हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में जो योजना शामिल नहीं है वो है आपका आरक्षित रोजगार महिला अधिकार, ये शामिल नहीं है, बाकी सभी सही है। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन जो 48वें नंबर का आयोजित किया जाएगा ये जर्मनी में। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल पंडिता इस पुस्तक के लेखक हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? और ये काफ़ी चर्चित थी, किसी लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड की बनी थी एक दिन के लिए CM। अक्षय ऊर्जा या जिसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वो 5वां है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है ये राजगीर में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 पर्पल कैप का खिताब जीता है? तो पर्पल कैप का खिताब जीता है वो जीता है आपका ऑप्शन इसका यजवेंद्र चहल, इसके करेक्ट आंसर है, पर्पल कप का खिताब जीते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा जो है
ये प्रस्तुत किया गया प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा। ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो ईजी एन इंडियन इकोनॉमी के लेखक जो है वो एम जी रनाडे हैं। कौन? एम जी रनाडे। और इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त की है ना, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त की है। सर्वोदय योजना जो है वो जे पी नारायण की है, और गांधी प्लान जो हो जाएगा वो एस एन अग्रवाल का है, गांधी प्लान। लास्ट प्रश्न है आपका कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और इस अधिवेशन की राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका 150 प्रश्न का सीरीज था। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।